अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे। आप सबकी दुआओं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज संडे है तो संडे का ब्लॉग स्टार्ट हो गया। और जैकेट आज मैंने पहले क्योंकि आने में ठंड लग रही है और मैं थोड़ी थोड़ी सफाई भी कर रही थी। पता है हमारे के बाद से कहीं ना कहीं जाले हमारे जो है बहुत ज़्यादा लग जाते हैं, पता नहीं क्यों, किसी किसी घर में बहुत ज़्यादा जाले लगते हैं, आप लोग जरूर बताइएगा। और बस आज का ब्लॉग स्टार्ट होता है, टाइम हो रहा है 11 बजे। डैडी हमारे लोग के लिए नाश्ता लेने गए हैं तो अब नाश्ता करते हैं हम लोग। उसके बाद जो है देखते हैं क्या होता है। पर्दे जब निकाली, पर्दे डाले, वैसे फ्रेंड्स कोई आता है ना वहीं पे दीवार है तो सर टेक लगा के बैठते तो काफ़ी ज़्यादा दाग लग गए, तो अपने का पर्दे डाल दो ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि टेक वही वही टेक की जगह है और हमें भी ज़्यादा टेक की ज़रूरत रहती है, तो इसीलिए हमने का पर्दे डाल देते हैं। बाद में जब देखा जाएगा फिर नए आएंगे तो डाल देंगे, ना कोई बात नहीं दूसरे ही डाल देंगे ना। ठीक है, हमारी प्लेट सेट हो गई हैं। फ्रेंड्स फाइनली डैडी पर्दे डाल रहे हैं, टेढ़े हो गए, ये देखिए सब डल गए हैं। तो सब अस्सलाम वालेकुम, शाम का टाइम हो गया, संडे का दोपहर का आराम किया। आराम क्या करते हैं फ्रेंड, समझ लीजिए इतना ज़्यादा आवाज़ और शोर आता है गली में, एक हॉर्न बजाते रहता है, कोई कुछ बजाता रहता है, बट क्या करा जाए, गली वाले मोहल्लों वाले घर में ये देखिए अभी भी यही होता रहता है, इसलिए सो नहीं पाओ। बस अभी अभी उठे हैं, शाम देखे थोड़ा सा लिबा में लगा लिया, हमने कपड़े भी अपने चेंज कर लिए हैं। ये जब सूट निकाल के पहने, हमने सोचा अभी इतने अच्छे अच्छे सूट मेरे रखे हैं पहने का, कौन बाद में किस को देंगे, तो इसलिए हमने सोचा हम ही सुवाद कर लेते हैं और ठंड के टाइम में मोटा अस्तर वाला पहन भी लेते हैं, तो इसीलिए हमने पहन लिया, मुहाँ धो लिया। मम्मी की शाम के टाइम कोई ना कोई आता है, मम्मी की जैकेट वैकेट उतार के फेंक दो, तुम्हारे पर बस यही आफत आती रही फ्रेंड, ठंड लगती है तो क्या करा जाए। लेकिन हमने कपड़े अपने चेंज कर लिए अस्तर वाले में और क्लच वच लगा के थोड़ा थोड़ा चिपटा हुआ, कोई ना कोई आता ही रहता है माशाल्लाह से। तो बर्थडे दे डाल दे तो कितना अच्छा लग रहा है देखने में। बस अब इस टाइम डैडी नमाज़ पढ़ने गए, मम्मी भी नमाज़ पढ़ी, फिर चाय बनाएंगे, चाय पियेंगे हम लोग, उसके बाद बैठेंगे बातें करेंगे, बस यही हमारा संडे ऐसे ही निकल जाता है। अम्मी सुबह मार्केट गई थी, वो भी ला प्याज व्याज सब ले आई थी और हम गए नहीं क्योंकि अभी कल ही होके आए हैं, बार बार मार्केट जाना तो पड़ता ही, एंड टाइम तक कुछ ना कुछ रह ही जाता है ना। कितनी स्वेलिंग लग रही मेरे क्योंकि यार तीली गिर गई थी तो इसलिए अब दूसरी तीली डाल रहे थे, इधर में स्वेलिंग वाली सब आ गई। फिर हम तो खाए नहीं सुबह से एक भी, अरे पूरा पैकेट खोलना पड़ता है उसमें, डैडी को भूख लगने लगी लग रहा। नहीं नहीं हम कहीं रहे, तुम तो पारे लेने जाए, मना कर दिया तुमने। नहीं ना पारे पारे नहीं, अभी पकौड़ी पकौड़ी बनाएंगे। कोई काम है ऐसे, फ्रेंड्स ऊपर चलते हैं, देख रहे हैं मम्मी क्या कर रही हैं, कुछ कर रही हैं। और ये आया है अचार, बड़ी मम्मी है तो वो गई थी अपने वाले आलू बन काटे, क्यों मम्मी पूरे आलू बनेंगे पूरे अच्छे। ये देखिए अचार भी थी, बहुत अच्छा गजब का सूखा अचार होता है फ्रेंड्स, ये आप साल भर 5 साल रख देंगे जब भी कम नहीं, मतलब ख़राब नहीं होगा। पूरी का आटा गून दिया हमने और अम्मी छोटे छोटे बेलन बेल बनाएंगी, बेलन बेलम बेल चंगेल सॉरी चंगेल बनाएंगे नहीं बेलम बेल क्या क्या मतलब बोलते हैं इसको, पूरी बनाएंगी बस पूरी बनाएगी सॉरी इसलिए तुम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, नेक्स्ट डे हो गया, नेक्स्ट डे मतलब क्या आज मंडे है, कल संडे था। अम्मी भी अपना नहा धो के फारिग हो गई थी सुबह ही क्योंकि अम्मी को दादा भी पहचाना रहता है एज ऑलवेज। और यहाँ पे अम्मी जो है मटर लाई है सीजन की पहली पहली मटर। और यहाँ पे जो है हम लोग एयरपोर्ट गए थे फ्रेंड्स भाई को लेने के लिए, सडनली हमने व्लॉग वहाँ पे स्टार्ट कर दिया क्योंकि दोपहर और सुबह के टाइम जो है इतना कोहरा था कहीं पे व्लॉग स्टार्ट नहीं किया क्योंकि बहुत ज़्यादा कोहरा था। और बस हम लोग सोते सोते चले गए क्योंकि सुबह 6 बजे की 8 बजे फ्लाइट आ जाना था। तो यहाँ पे बहुत अच्छा बर्थ बन, यहाँ पे डैडी भी खड़े थे, यहाँ पे अरसलान भी खड़े थे, डैडी कहेंगे चलो व्लॉग स्टार्ट करो यहाँ पे, तो सब मम्मी भी खड़ी हुई है, बस इंतज़ार हो रहा था भाई का। और इसके बाद जो है फिर हम लोग वहाँ पे आनंद भवन ढाबे पर रुके, चाय पिया, कुछ टाइम नहीं मिल पा रहा है फ्रेंड, जब भाई आ जाते हैं तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता क्योंकि टाइम में ऐसे हम लोग दिन भर हम मम्मी और हम लेटे रहते थे और जब कहते हैं कि जब भाई घर भरा भरा होता है तो इसीलिए तो ऊपर नीचे करते करते मेरी तो हालत ख़राब हुई जा रही क्योंकि ऊपर किचन के चक्कर में बहुत ज़्यादा काम पड़ जाता है। तो आज है वेडनेसडे तो हमने सोचा कि चलिए जो भी बनता है ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। कल हम लोग एयरपोर्ट लेने गए थे भाई को, थोड़ी सी क्लिप मार के बनाई थी, एयरपोर्ट इतना अच्छा हो गया, इतना अच्छा 2 साल में इतना ज़्यादा वहाँ पे बदलाव हो गया है कि बहुत अच्छे से लग रहा था कि हम लोग इंटरनेशनल तो एयरपोर्ट है, ऐसे लग रहा था बाहर के शहरों में कहीं फॉरेन कंट्री में आ गया ऐसा एयरपोर्ट, यहाँ पे भी लखनऊ में बन गया, बहुत अच्छा लग रहा था।
तो बस हमने सोचा चलिए व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। डैडी अम्मी कहीं काम से गए थे क्योंकि अब जाने धीमे 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 इंशाल्लाह करीब आएंगे तो कोई ना कोई काम बढ़ता जाएगा, तो इसीलिए तो बस सारे काम जो हो रहे हैं बस जो जो होगा इंशाल्लाह आपको अपनी अपडेट देते जाएंगे, जो भी मेरी शादी से रिलेटेड कोई भी चीज़ें होंगी। और जितना भी सामान था मैंने दिखा दिया था आपको, अब जो पैकिंग का है मतलब मेरे ससुराल वाले को मम्मी कौन किस सोट दे रही है, सब चीज़ें जो होती है ना वो सब इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। और बिरयानी भी हमारे कल बनी थी, दम गज़े की बिरयानी बहुत ही यम्मी होती है, उसकी बिरयानी बनी थी। और अभी चम पराठे बनाने, कबाब भी है और सोया मेथी आलू की सब्ज़ी भी है और भाई भी आ गए माशाल्लाह से, तो इसीलिए हम सोचे चलिए पराठे खाते हैं हम लोग और जो इंशाल्लाह ब्लॉग में होगा आप लोग को दिखाते हैं। आज हमने नया नया सूट भी फ्रेंड्स पहना था और थोड़ा थके थके लग रहे थे क्या, सुबह से हमने कुछ भी नहीं खाया थे, दो बिस्किट खाए हुए हैं बस सुबह से और बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई हम लोग को। तो मम्मी पराठे बनाती है उसके बाद हम लोग खाते हैं फिर आपसे बताते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो मम्मी हैं वो सोया मेथी आलू की सब्ज़ी बनी थी, हमारे यहाँ छरी वाले आलू जानते हैं बारह बनती रहती जब तक, उसके बाद यहाँ पे पराठे बने थे और कबाब भी थे और फिर बिरयानी भी थी, ये सब हम लोगों ने अपना लंच कंप्लीट किया हमारा ही। तो ये सब काम है आज पूरा दिन मेरा चला गया, तो आज अब इंशाल्लाह शादी के दिन जैसे जैसे करीब आएंगे, अब तो टाइम है लेकिन क्या पहले से कार्ड रखना पड़ता है और जो बाहर के लोग होते हैं उनको व्हाट्सएप करना होता है, जो और बाहर के होते हैं उनको देना पड़ता है, बस यही है मसला कि जाने आने का बहुत ज़्यादा लगा क्योंकि डैडी काम करते रहते हैं अब और हम मम्मी कहाँ देखे जाएंगे तो ये सब लगा रहता है, तो बस थोड़ा थोड़ा कार्ड भी बढ़ते जा रहे हैं, काम होता जा रहा है और दूर वालों को ज़्यादातर तो व्हाट्सएप कर दिया है फ्रेंड, क्योंकि जाना तो आजकल के दौर में इम्पॉसिबल है, इतने नेटवर्क की चीज़ें चल गई हैं तो इंसान मोबाइल से ही सब काम कर लेता है। तो आज है हमारे यहाँ थर्सडे और ब्लॉग जाएगा इंशाल्लाह फ्राइडे हो जाएगा, और जो है आज इंशाल्लाह पैकिंग करेंगे जो भी अम्मी मेरे मतलब जहाँ मेरी शादी और मेरे ससुराल में क्या क्या कपड़े दे रही हैं अब दिखाएंगे आप लोग को इंशाल्लाह, ब्लॉग में भी रखा हुआ है क्योंकि हमने सोचा पैकिंग करनी भी थी, देखिए सब झोले में सामान भरा हुई, सब अटैची लाइन से सब लगी हुई है, तो बहुत ज़्यादा काम बढ़ा हुआ है फ्रेंड्स। और ये कमरे में इंशाल्लाह जब सब भाभी का भी सब पैक वैक कर लेंगे उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे सन्नाटा हो जाएगा, सुकून हो जाएगा, किनारे एक चीज़ खड़ी रहेगी, ऐसे कोई चीज़ इधर रखी कोई चीज़ उधर रखी है, तो ऐसे जब और जब सब चीज़ पैक हो जाएगी इंशाल्लाह जब आप लोग को आखिर में दिखाएंगे। और जो मेरे कपड़े पड़े थे तो हम आपको दिखाई चुके थे पहले ही कपड़े हैं, और बहुत से लोग पूछ रहे अबाया नहीं लिया, तो अभी नहीं लिया फ्रेंड्स, जब लेंगे तो इंशाल्लाह दिखाएंगे। और बहुत से पर्स के कमेंट आए कि आपने ब्लू वाला पर्स कहाँ से लिया है, और ब्लू वाला पर्स फ्रेंड्स अगर आप लोग को और जो चप्पल जो है मतलब उसकी भी बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं, अगर आप लोग को अगर चाहिए हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM करिएगा तो इंशाल्लाह मैं आपको पूरा एड्रेस बता दूंगी। और बहुत अच्छी चप्पल है, शादी में वही वाली चप्पल पहनेंगे अच्छी लगी, लहंगे के ऊपर अच्छी लगती है ऐसे ब्राइडल चप्पल, तो हमने अब ये फ्रेंड्स लेनी पड़ती है ना, ऐसे तो इंसान सोचता है कि चलो कोई और सी ले ले, लेकिन मेरे पास चप्पलें ज़्यादा थी तो मैंने सोचा ब्राइडल का मेरा अच्छा भी लगता है कि जब पैर वैर अच्छे लगते हैं थोड़े से पहनने में, तो इसलिए हमने सोचा हम वाली ले लेते हैं। तो बस इंशाल्लाह बस काम धीमे धीमे चल रहे हैं, और अभी जो है अभी हमने भाई की बारात का भी सूट नहीं लिया, इंशाल्लाह बहुत जल्दी लेंगे क्योंकि भाई की शादी आफ्टर ऑल मेरी शादी से इम्पोर्टेंट मेरे भाई की शादी होती है, क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा सपने थे बचपन से मेरे भाई की शादी के, तो इंशाल्लाह जब भी लेंगे शादी से एक दिन पहले दिखाएंगे, लेकिन पहले से नहीं दिखाएंगे क्योंकि सरप्राइज़ होता है, जो पहनने में बात होती है पहले से दिखाने में नहीं होती। और जो लेकिन कपड़े थे तो मैंने आपको सबको दिखा दिए, छुपाना कुछ नहीं है, और बस थोड़ा सा सस्पेंस रहेगा फ्रेंड्स, इंशाल्लाह सब चीज़ आप लोग को आगे चल के बढ़ेंगे। पंसूरा हो गया, पढ़ लिया सब, फ्रेंड्स पुताई हो गई, सबसे ज़्यादा तो काम तो मेन पुताई का था ना मम्मी, इस टाइम पे कितना काम बढ़ गया है, मम्मी पढ़ रही है ना इसलिए बोल नहीं रही है, अब इसमें सब कार्ड। और यहाँ पर हम लोग कार्ड बांटने गए थे बाहुपुरवे की तरफ, तो वहाँ पे मेरे रिलेशन में नानी लगती हैं तो उन्होंने भी बैठी थी, और यहाँ अम्मी बस अम्मी के नेचर की तारीफ हो रही थी, माशाल्लाह से मेरी अम्मी का नेचर इतना अच्छा है कि लोग बहुत ज़्यादा मोहब्बत से बात करते हैं, तो वही सब मेरी अम्मी की तारीफ ही हो रही थी। तो बस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, इंशाल्लाह पैकिंग का नेक्स्ट व्लॉग आएगा क्योंकि बहुत सारे काम थे फ्रेंड्स, आई एम सॉरी।